अरुणकमलसंस्था तद्रजापुञ्जवर्णा करकमलधृतेष्ठा भीतियुग्माम्बुजाचा मणिर्मुकुटविचित्रालङ्कृता कल्पजाले सकलभुवनमाता संस्रुते श्रीश्रीर्णा। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। यह दिव्य पावन दीपावली का पर्व समस्त सनातन धर्मावलंबी बड़े आनंद उत्साह और उमंग के साथ मना रहे हैं, जिसमें भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी का पूजन क्यों नहीं किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको दो प्रकार के विधि बता रहा हूँ। जिस प्रकार से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से हुआ, यह दीपावली माता लक्ष्मी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन में आठवें रूप में आठवें रत्न के रूप में अमावस्या तिथि को प्रातःकालीन वेला ब्रह्म मुहूर्त में हुआ है। ततश्चा विर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत पराह रंजयंती दिशा कांतिया विद्युत सौदामनी यथा। माता लक्ष्मी के दिव्य प्रकाश से सारा विश्व प्रकाश समान हो गया, देदीप्यमान हो गया और समस्त विश्व में एक अलौकिक कांति आच्छादित हो गई है। यह माता लक्ष्मी के प्रकट उत्सव को हम लोग दीपोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसके लिए लक्ष्मी जी के ही पूजा का इसमें विधान है, नारायण की पूजा का इसमें विधान नहीं है। दूसरा, समस्त देवताओं के ईश गणेश, जो समस्त देवताओं के ईश हैं तथा विघ्नों के विनाशक हैं, इसके लिए माता लक्ष्मी का पूजन गणेश जी के साथ में दीपावली पर किया जाता है, ना कि नारायण के साथ किया जाता है। दीपावली पर विष्णु पूजन का महत्व नहीं है, लक्ष्मी और गणपति पूजन का महत्व है तथा दीपक पूजन के साथ में दीपावली आनंद और उत्साह के साथ में सभी देशवासी मनाते हैं। आप सभी को पुनः पुनः दीपोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।